good morning all my dear students so as you people know that we have almost done with all our lessons from gunjan as well as vyakaran book uh, according to our pa2 syllabus so now we are doing a revision of each and every chapter as much as possible as well as we are doing class test so today in this class विल बी डूइंग फ्रॉम योर व्याकरण बुक अनेकार्थी शब्द आज हम इस क्लास में अनेकार्थी शब्द करेंगे जिसे अंग्रेजी में वर्ड्स विथ डिफरेंट मीनिंग कहा जाता है लेसन नंबर फिफ्टीन व्याकरण बुक से अनेकार्थी शब्द तो देखिए यहाँ पर एक तरफ में लिखा गया है जग और दूसरा फिर से है जग तो अनेकार्थी शब्द मतलब होता है ऐसे शब्द जिनका अलग अलग मतलब हो जैसे जग में पानी है जग में बहुत से प्राणी है तो यहाँ पर दो जग दिखे गए हैं दोनों जग क्या है एक जग जिसमें पानी भरा जाता है और एक जग जिसे पृथ्वी भी कहते हैं तो दोनों जग का उच्चारण हो या फिर उनके लिखने का तरीका हो दोनों ही समान है लेकिन उनके मतलब भिन्न भिन्न है यहाँ जग शब्द तो एक है पर इसके अर्थ अलग अलग हैं जैसे जग एक बर्तन है और जग दूसरा जग संसार को भी कहते हैं पृथ्वी को भी कहते हैं तो देखिए अनेकार्थी शब्द का एक सुंदर सा परिभाषा दिया गया है कि ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं मैं फिर से बता देता हूँ कि ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं तो देखिए कुछ अनेकार्थी शब्दों के उदाहरण दिए गए हैं जैसे कि पहला है तीर तो तीर के दो अर्थ होते हैं एक तो होता है नदी का किनारा दूसरा होता है वाण या फिर बाण मतलब जो तीर धनुष का वाण होता है अर्जुन ने तीर मारकर शत्रु को मारा फिर दूसरा है पत्र एक पत्र तो होता है चिट्ठी और दूसरा पत्र होता है पत्ता तो चिट्ठी तो आपको पता है लेटर जैसे मैंने मैं आपको लेटर राइटिंग सिखाता हूँ फिर दूसरा पत्र होता है पत्ता जो पेड़ का पत्ता हो, पत्ता होता है फिर तीसरे नंबर पे है मगर एक तो होता है मगरमच्छ जो तालाब में पाया जाता है पानी में पाया जाता है नदियों में पाया जाता है दूसरा है परंतु परंतु मतलब मगर जैसे कल मैं गिर गया मगर मुझे चोट नहीं लगी तो आज के पाठ में मैंने आपको अनेक अर्थी शब्दों के बारे में बताया और इसके उदाहरण भी समझाए दूसरे क्लास में हम इसके और उदाहरण जानेंगे तब तक के लिए धन्यवाद